So, hello friends, today we will discuss about the organic chemistry and organic compounds. So, organic chemistry is a very important branch of chemistry science, which application is very wide. और खासकर इंडिया में बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, मेडिसिन वगैरह हम लोग जो यूज करते हैं, ये आपकी जो है आप इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और पॉलीमर्स है, प्लास्टिक है, पेंट्स है, तो ये सब जो है आपके केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स जो है डेली लाइफ में, सीएनजी गैस है, आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेटेड होती है और इनकी स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अपने आप में एक वाइड है, एप्लीकेबल है और यूजफुल केमिस्ट्री है हम लोग की लाइफ के लिए, और इसमें जॉब एप्लीकेशंस भी बहुत है और बहुत सारे स्कोप है रिसर्च के एंड डेवलपमेंट के भी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके रिएक्शन देते हैं, नए कंपाउंड्स कैसे हम बना सकते हैं, नई नई मेडिसिन कैसे कैसे बना सकते हैं, इनकी स्टार्टिंग सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही होती है। तो आईडीएल लेवल के लिए जो है केमिस्ट्री एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यदि स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, आमतौर पर करते भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक तो जो है मैंने देखा उनकी अप्रोच में कमी होती है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइक नहीं करते, या टीचर शायद एफिशिएंट इतना नहीं होता कि उन्होंने अपने स्टूडेंट में लिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, यदि आप इसमें थोड़े से भी एफर्ट्स लगाएंगे जितने आप फिजिकल या फिजिक्स में मैथ्स में लगाते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं और उन लोगों से आगे निकल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वर्क हार्ड कीजिएगा, अच्छी बुक्स जैसे आपकी सोलोमन की है, जगदम्बा सिंह की है, ओपी टंडन की और है, उनको आप पढ़िएगा, पीछे क्वेश्चन बैंक है, उसको आप यदि पढ़ के कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, तो बहुत आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। और ये भी है कि टीचर आपके साथ कैसा है और साथ के बच्चे भी कैसे हैं, तो इस पर थोड़ा सा एम्फसाइजेशन आप लोग रखिएगा तो आईआईटी में अच्छा स्कोर हो सकता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंडामेंटली है क्या और ये डेवलप भी कैसे कैसे होती चली गई और देन आगे मतलब किस फॉर्म में पहुंच जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मतलब पहले लोगों को कुछ भी ज्यादा नहीं पता था और कुछ बातें पता भी नहीं तो गलत थी, जैसे बर्जीलियस ने आपकी हाइपोथेसिस दी थी। तो बर्जीलियस ने हाइपोथेसिस दी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है एक वाइटल फोर्स की प्रेजेंस में बन सकते हैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए, जिसे आप जैवीय शक्ति या आत्मा भी कह सकते हैं, कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग बींग्स की बॉडी में बन सकते हैं, बाकी बाहर नहीं बन सकते। तो ये बर्जीलियस की आपकी हाइपोथेसिस थी और इस पर लोग बहुत सालों तक मानते रहे। ऑर्गेनिक वर्ड जो है आपका ऑर्गेनिज्म से लिया गया, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग बींग, तो लिविंग बींग की केमिस्ट्री ऐसा कुछ लोगों ने स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सोचा था। इनके एक स्टूडेंट थे वोहलर, उन्होंने आपका लैब में अमोनियम साइनेट को हीट करा था, और ये आपका यूरिया बना दिया था। यहां से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो गई थी, और साइंटिस्टों ने बर्थोलेट ने एसिटिक एसिड बनाया और क्रोलविन ने भी आपके जो है कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। तो इस तरीके से जो है आपकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बनने लगे और बहुत सारी डिस्कवरीज होने लगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई। और आज की तारीख में जैसे आप देखे भाई हिंदी में मतलब आप इसके वर्ड की ट्रांसलेट करने की कोशिश करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप लोग जैसे ऑर्गेनिक जीव, तो आप इसकी ट्रांसलेट क्या करेंगे? जीव रसायन, लेकिन ऐसी नहीं करेगी, बल्कि इसका जो नाम है वो क्या रखा है हमने, कार्बनिक, क्योंकि तब तक लोगों को आइडिया हो चुका था ये कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब लिविंग बींग की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है, जिसको आज की तारीख में आप लोग बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री की जो स्टडी है
वो एक टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स वगैरह वहां पर हम डिस्कस करेंगे, बाकी मेडिकल साइंसेज में आपका बायोकेमिस्ट्री पूरा एक सब्जेक्ट बन जाए। तो इसका नाम कार्बनिक रसायन रखा गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम, देन अकार्बनिक रसायन आपका रखा गया। तो जो हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वर्ड रखे थे स्टार्टिंग में, अब रखे गए थोड़े से, वो अपने मतलब जो उनका वर्ड मीनिंग था उससे डिफरेंट थे। तो नॉर्मली शुरुआत में कहा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन है कि ये स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव से मिलकर बन गए। नॉर्मली हम लोग ये भी सोच लेते हैं कि कार्बन जितने कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक होंगे, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इन सबको जो है हम लोग किसमें रखते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, नॉर्मली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, यदि वाटर में सॉल्युबल भी है तो दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आपके वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही सॉल्युबल है। और आपके जो इनसॉल्युबल है वो आपका, क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड्स बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन में, तो वो आपके इनसॉल्युबल होते हैं। तो और इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा नंबर में है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम है नंबर में। जबकि आप देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 120 एलिमेंट्स आते हैं, और ऑर्गेनिक में आपके कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर फास्फोरस हैलोजन्स कुछ ही एटम्स होते हैं, मान लो 20 ज्यादा ज्यादा, तो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर बहुत ज्यादा मिलता। इसके फंडामेंटल दो रीजन है, कैटिनेशन और दूसरा आइसोमर्स, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर आपका करोड़ों में बन चुका है। कैटिनेशन मीन है आपका जो है कि आपका जो है कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन, टेंडेंसी ऑफ ए कार्बन एटम टू मेक इट्स लॉन्ग चेन। देन आपका जो फिनोमिना है आइसोमेरिज्म, इसका मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्टीरियो फार्मूला। तो दैट टर्म टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो कंपाउंड अलग अलग होते हैं, जैसे आपका C2H6O है, तो इसका डाइमिथाइल ईथर और जो इथेनॉल है वो आपके आइसोमर होते हैं। तो एटम्स का जो अरेंजमेंट है डिफरेंट होता है, तो आपके अभी तो खैर दो बने हैं, लेकिन आप जैसे जैसे और मॉलिक्यूल्स लेते चलेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स बहुत ज्यादा होते चले जाते हैं। जैसे आप जितने कार्बन एटम्स आपके इंक्रीज करते चलेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जाते हैं। तो कार्बन में लॉन्ग चेन होती है, तो 20-30-40 कार्बन होना कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन और आपके जो है इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर है वो बहुत ही लार्ज हो चुका है। और आइसोमर्स की जो प्रॉपर्टीज है केमिकल या फिजिकल वो डिफरेंट होती है, कि स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होती है जिसकी वजह से उनका बिहेवियर डिफरेंट रहता है। हमारी बॉडी के अमीनो एसिड प्रोटीन आपकी मेडिसिन इनमें भी आइसोमरिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। केमिकल रिएक्शन में भी
आइसोमेरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है, हर केमिकल रिएक्शन की अपने आप में एक स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, जिसका हम उस केमिकल रिएक्शन की डिटेल में जब पढ़ाते हैं उसको तो उसकी डिटेल में उसका डिस्कशन करते हैं। तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरीके से कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है वो वहीं पर डिस्कस करेंगे। और लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री का एक रोल हर केमिकल रिएक्शन में हो, ये हम थोड़ा सा मान के चलते हैं कि कोई कंपाउंड मान लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव है या ज्योमेट्रिकली उसमें आइसोमेरिज्म है या रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में है या टैगिंग एजेंट में है, तो वो किस तरीके से आगे प्रोडक्ट्स बनाएंगे ये हमें सोचना होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो जाता है। इसके बाद जो इस वीडियो में भी डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करते हैं। फर्स्टली इसमें कॉमन नेम्स आईयूपीएसी नेम्स नॉमेनक्लेचर आ जाता है। उसके बाद आपका एक एनालिटिकल पार्ट है जिसमें आप एलिमेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस, देन जो है आपका प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है और आपके जो और भी मेथड्स है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से के आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पार्ट्स में फिर आपका जो है आइसोमेरिज्म आता है, इसका आगे रिलेशन रिएक्शन मैकेनिज्म से जुड़ेगा। देन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाती है प्रकार से, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आप उनके कंपाउंड्स होते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल और आपके फिनॉल्स और जो आपके और कंपाउंड्स हैं उनकी हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन्स का और आपके नाइट्रोजन कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स, और उसके बाद आपके बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स आते हैं। इन सबकी जो है वन बाय वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करनी होती है। तो इसके लिए आप रिएक्शन मैकेनिज्म की जो बुक्स आती हैं एक पर्टिकुलर थोड़ा उससे डिटेल में चीजें स्टडी कर लीजिए, मॉरिसन बाय सोलोमन या जगदम्बा सिंह, और भी बुक्स है लेकिन इंडियन बुक्स में थोड़ी एरर्स होती हैं, दैट इज दी एक प्रॉब्लम है। तो इन सब की जो आप स्टडी करेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे बहुत अच्छी होती चली जाएगी और इसमें स्कोर करना बहुत आसान होगा, ठीक है। थैंक्स सर।